स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास, मैं हूँ आपका मैथ टीचर। अब हम एक्सरसाइज 4.7 करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अंडरमाइंड होने चाहिए, आपको समझ आने चाहिए। क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस आनी है जिसको हमने बताना है कि वो किस कैटेगरी का है। तो अगर कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट को हम सॉल्व करें, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को सॉल्व करें और जवाब आ जाए हमारे पास जीरो, तब उसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स होंगे रियल एंड रिपीटेड इक्वल। रियल होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे। इमेजिनरी कौन से होते हैं? जिनके साथ एवटार आ रहा हो। और रिपीटेड कैसे होते हैं? अगर एक जवाब हमारे पास 2a आ रहा है तो दूसरा जवाब भी हमारे पास 2a ही आएगा। पहला जवाब हमारे पास 2 आ रहा है, दूसरा भी 2 आएगा। पहला 3 आ रहा है, दूसरा भी 3 आ रहा है आएगा। तो इस तरह से ये रिपीटेड है और रियल भी है क्योंकि इनके साथ अयोटा नहीं आ रहा। अब जो सेकंड पॉइंट है, इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन 0 है। इसका मतलब है कि इसमें जो जवाब आएगा वो 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा का मतलब क्या है कि वो माइनस में कोई भी जवाब आ सकता है। जो भी जवाब आएगा वो माइनस के अंदर होगा। तो इस तरह से इसके जो रूट्स होंगे, हाँ जी, इसमें थर्ड हमारे पास था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स जो आएंगे वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और अनइक्वल होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब ही मुख्तलिफ है, अनइक्वल हो या डिस्टिंक्ट हो वो बात एक ही होती है। तो इसमें डिस्टिंक्ट होंगे मतलब कि अगर एक आ रहा है 3 आ रहा है तो दूसरा जवाब 4 आ जाएगा, और एक जवाब 5 आ रहा है दूसरा जवाब 6 आ जाएगा। इस तरह की कैटेगरी आएगी। और इसमें जो है कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं, इनमें आ जाता है जवाब हमारे पास 2 एयोटा आ जाएगा, 3 एयोटा आ जाएगा, इस तरह करके मतलब के जो जवाब हमारे पास इसमें कैलकुलेट होंगे। इसको सॉल्व करते हैं हम पार्ट नंबर 1 को। इसमें हमारे पास ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है बी स्क्वेयर माइनस 4 ए सी। बी का स्केयर है तो 6 का स्केयर लगाना है, माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 4 है और सी हमारे पास 1 है। 6 का स्केयर 36, 4 4 आर 16, 16 1 आर 16 होता है। 36 में से 16 निकालो तो हमारा जवाब आ रहा है 20। तो 20 क्या है? ये ग्रेटर देन 0 है। 20 जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब कि ये लास्ट वाला रूल इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। सो द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट और अनइक्वल। तो हम ये कंडीशन लिख देंगे, सो द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट और अनइक्वल, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब इसी तरह सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें क्या है? उसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0 है। इसमें हमने सॉल्व करना है। इसमें तो a हमारे पास 1 आ जाएगा, b हमारे पास माइनस 5 आ जाएगा और c हमारे पास 6 आ जाएगा। उसी तरह हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी का स्केयर है तो हमारे पास माइनस 5 का स्केयर आ जाएगा, माइनस 4, ए हमारे पास 1 है और सी हमारे पास 6 है। 5 का स्केयर है तो 25, 4 6 आर 24 इक्वल टू 1, और 1 जो है वो भी 0 से बड़ा होता है। जब तक कोई माइनस में जवाब नहीं आता हमारे तमाम वैल्यूज वो 0 से बड़ी ही होती हैं। तो इसमें भी जो है सेम रूल लग रहा है कि सो द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट अनइक्वल। इसी तरह अब हम आगे पार्ट नंबर इसका 3 है। पार्ट नंबर 3 में वो क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 3 में कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल 0। 2x स्क्वायर
माइनस फाइव एक्स प्लस वन इक्वल जीरो है। तो इसमें हमने सॉल्व करना है, इसमें सॉल्यूशन निकालेंगे, a इक्वल टू आ जाएगा, b इक्वल माइनस फाइव, c इक्वल वन। स्केयर के साथ जो वैल्यू है वो a की होती है, x के साथ जो भी वैल्यू b की, और कांस्टेंट जो भी होती है वो c के साथ आ जाती है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्केयर माइनस फोर ए सी, b का स्केयर है माइनस फाइव का स्केयर माइनस फोर, ए हमारे पास टू है और सी हमारे पास वन है। 25 का स्केयर फाइव का माइनस फाइव का स्केयर निकालें तो 25 आता है, और अंदर माइनस से बाहर पावर जो है वो इवन नंबर हो तो माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है, 4 2 8। तो इसमें भी हमने देखा ये भी 8 जो है 25 में से 8 माइनस करें तो कितना आता है, इसमें 17 आता है, 17 आ गया, और ये भी जो है ग्रेटर देन जीरो है, तो इसमें भी वही कंडीशन लगेगी। तो इसी तरह अगर हम पार्ट नंबर फोर करते हैं उसमें क्या कहता है, पार्ट नंबर फोर जो है उसमें कह रहा है कि 25 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस 9 इक्वल जीरो। इसमें भी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू a की आ जानी है, a इक्वल 25, b इक्वल माइनस 30 और c इक्वल 9 के। तो डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगाएं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b माइनस 30 का स्क्वायर, a की वैल्यू 25 और c की वैल्यू 9 है, तो माइनस 30 का स्क्वायर निकाले वो 900 आ जाएगा। 30 30s are 900 माइनस सात आ रहा है तो 22 स्क्वायर है, इवन पावर है, इसलिए वो प्लस का 900 आ जाएगा। इसी तरह 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आता है, 100 आता है, 100 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 900 आता है। तो ये किसके इक्वल आ गया, जीरो के। तो जब जीरो आ जाए तो क्या था, सो द रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड इक्वल, ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर टू और आगे सारे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।